YouTube चैनल इन दिस वीडियो आपको फैन कोड ECS T10 का रोमानिया का जो मैच है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखेगा क्योंकि T10 का मैच ऑलवेज रोकिंग रहता है। ACCB वर्सेस BUG का ये मैच है। अगर बात की जाए इसके स्टैट्स के बारे में तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक बना है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम की विनिंग स्क्रीनशॉट और उसके फायदे बताऊंगा, जिससे क्या है आपको एक कंठस्थ रूप से एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जिससे आपकी विनिंग्स फिक्स हो जाएगी, अच्छी खासी विनिंग्स आप रेगुलर कर सकोगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ज्वाइन कर लीजिएगा बट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं इधर उधर की बातें कम करके इस मैच के बारे में आपको पहले बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी आप लोग के लिए। आप लोग को इस मैच के बारे में नॉलेज रहेगा तो गारंटीड विनिंग्स होगी। देखो हेड टू हेड में होता क्या है, हेड टू हेड में ज्यादा कुछ नहीं होता है। सामने वाला बंदा अगर रिस्क लिया, आप अगर रिस्क नहीं लेते हो सेफ जाते हो तो आपकी विनिंग्स हो जाती है, बट अगर सामने वाला बंदा सेफ गया, आप सेफ नहीं गए, रिस्क लिए तो आपकी विनिंग्स हो जाती है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन चलता है इसमें, कभी कभी क्या हमेशा ही चलता है। तो इसलिए आपको एक टीम में सेफ लगाना है, एक टीम में थोड़ा सा रिस्क लेके लगाना है। दो टीम आपने लगाया, दोनों में से एक अगर विन कर जाती है तो कॉम्बिनेशन आपका बराबर बैठ जाता है। जिस मैच में अच्छा चल रहा है उसके सेकंड वाले मैच में आप हाई इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब दो की जगह चार लगा सकते हो। बात को समझिएगा, फिर उसके बाद एक बार ट्राई करके देखिएगा, गारंटीड अच्छी खासी यहां पर आपको समझ में आने वाली है हर एक चीज। तो फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं भाई आई हैदर के बारे में, जो इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लास्ट मैच मैंने भी ट्राई किया था इनको, बट डिपेंड करता है अभी ज्यादातर लोग इनको ड्रॉप करते हुए चल रहे हैं। आपके लिए मिनी जीएल पिक बन सकते हैं, एवरेज पॉइंट आपको 24 और 35 का दे सकते हैं, जो कि एक बैट्समैन के रूप में बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। T10 का मैच है, ज्यादातर आपको बैट्समैन चलते हुए दिखेंगे, मेन बॉलर्स को मत ड्रॉप कीजिएगा क्योंकि उनके विकेट लेने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है T10 में। डिपेंड करता है T20 के मैचेस में, 20 ओवर का मैच रहता है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, इसलिए T20 में ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता। बट T10 के जो मैच रहते हैं उसमें ज्यादातर आपको अगर ओपनर्स चलते हुए नजर आ गए तो फिर बॉलर्स की छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेन बॉलर्स आपको विकेट ले जाते हुए पक्का दिखेंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं आप इन्हें सभी वीडियो में कि मेन बॉलर्स को मत ड्रॉप कीजिएगा, बाकी आप कुछ बैटर्स के साथ रिस्क ले सकते हो, जैसा कि ये वाला मैच है। ACCB की तरफ से आपको ज्यादातर प्लेयर्स को रखने हैं क्योंकि देखो यार ये जो रिकॉर्ड है ACCB का, कल मैंने जो वीडियो बताया था T10 का उसमें भी आपको बताया था, ACCB की तरफ से ज्यादातर प्लेयर्स को मैंने ट्राई किया था। BUG की टीम है थोड़ी कमजोर है, पॉइंट्स टेबल में भी थोड़ी सी पीछे है, बट अगर ACCB की बात करता हूं तो इसका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। आगे आप देखिएगा मेरी टीम में ज्यादातर आपको ACCB की तरफ से प्लेयर्स ट्राई करते हुए दिखेंगे क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से ये वाला मैच भी आपको कंटिन्यूअस चलते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, इधर उधर की बातें ना करते हुए, देखो चार ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन में, पांच ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, चार या पांच ऑप्शन है, डिपेंड करता है कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे क्योंकि लाइनअप अपने को पता नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि T10 का मैच है, कौन पहले बैटिंग करने आएगा, कौन लास्ट में बैटिंग करने आएगा, कोई फिक्स नहीं रहता इसमें, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जब लाइनअप अनाउंस हो जाता है तो एक बार फिक्स हो जाता है कि हाँ ये बंदा आ सकता है लाइनअप में, तो उस बेसिस पर अपन आपको लास्ट के 3 मिनट या 4 मिनट पर टीम प्रोवाइड करता है टेलीग्राम पर, क्योंकि पिच भी फिक्स हो जाता है कि इस पिच पर बैटिंग होने वाला है, इस पिच पर बॉलिंग होने वाला है, तो ये फेवर किसके है किसके नहीं है, तो ये चीज भी क्लियर हो जाता है, जिसके वजह से आपको टीम्स लेट में मिलती है। बट जो भी टीम आती है भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, हेड टू हेड में लगाते हो तो गारंटीड विनिंग्स हो जाती है। मैं ज्यादातर आपको रिकमेंड करूंगा रियल 11 पे खेलने का, जिससे आपके विनिंग्स फिक्स हो जाए। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं एजावर के बारे में, इनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरी जीएल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग सब पिक के लिए आपके लिए खास है। लास्ट वाला मैच चलते हुए आपको देखते एवरेज, बट अभी वाला जो मैच है उसमें 62% सिलेक्शन गया था, जिसमें पॉइंट्स इनका 9% गया था। अभी ज्यादातर लोग इनको ड्रॉप करते हुए भी चलेंगे और ज्यादातर लोग इनको पिक करते हुए चलेंगे, बट अगर आप ग्रैंड लीग में लगा रहे हो तो इनको ड्रॉप करते हुए चलेगा क्योंकि इनकी जगह आप एक और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अभी इनको अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर चलते हो तो आपके लिए एक फायदेमंद पिक बन सकता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है इनका जब जब कम परसेंटेज हुआ है तब तब इनका रिकॉर्ड मतलब अच्छा गया है, और जब जब ज्यादा परसेंटेज हुआ तो इनका रिकॉर्ड खराब गया है, तो उस बेसिस पे आपको ट्राई करना है। और मैं आपको एक और चीज रिकमेंड कर देता हूं, देखो यहां पर ये जो प्लेयर है सी जवाइयो, अगर इनके रिकॉर्ड की मैं बात करता हूं तो इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत कम लोग इनको सेलेक्ट किए हैं, आपके लिए ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, अच्छी खासी पॉइंट्स यहां पर स्मॉल लीग से भी आपको दे सकते हैं। अगर एक आध विकेट भी ले जाता है बंदा तो गारंटीड है आपके स्मॉल लीग में अच्छी खासी डिफरेंशियल पिक, कि भाई 30 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। मान लो आपके में सिर्फ डिफरेंशियल प्लेयर यही है, बाकी सब प्लेयर आपका सामने वाला अपोनेंट से मिलता है, आपने सिर्फ इसको डिफरेंशियल रखा है, उसने बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर को डिफरेंशियल रखा है, मान लेते हैं मान लो आपने इसको डिफरेंशियल में रख लिया बैटिंग सेक्शन से, उस प्लेयर ने क्या किया यहां पर जो एक प्लेयर है नकवी इसको रख लिया, ठीक है, दोनों में डिफरेंशियल पिक है, आपने जवाई को ट्राई किया था, उसने नकवी को ट्राई किया है। देखो मैं नकवी को भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इनको भी ट्राई की जगह आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। एक जमाना था जब आपको ये 113-114 का रन बनाकर देते थे, अभी डिपेंड कर रहा है, अभी इनका फॉर्म नहीं है, बट जब भी ये फॉर्म में आएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में एक टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार अगर फॉर्म में आ गए तो फिर सामने वाला बंदा कोई सा भी वो पिटा कर रहता है, ठीक है। तो अभी अगर मान लो आपने इनको ट्राई नहीं किया, या फिर आपने इनको ट्राई किया है इनको नहीं ट्राई किया, ये अगर आपको 42 पॉइंट देते हैं, ये मान लो एक कैच पकड़ते हैं जो कि आपको 17 या 8 पॉइंट मिलता है, ठीक है, अभी इस तरह का इनका पॉइंट मिलता है, लेकिन डिफरेंशियल पिक आपके में ये थे। अब देखो इनका पॉइंट जब हाई हो जाता है तो सभी प्लेयर तो सेम ही है, फिर आपके में ही है, और आपका ये वाला प्लेयर जिसके ऊपर आपने
रिस्क लिया था, ये चल गया, चल गया तो गारंटीड है ग्रैंड या फिर स्मॉल लीग आपकी फिक्स है, विनिंग्स होगी अगर ये प्लेयर नहीं चलता है तो। बाकी जो देखो मेन आपको रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है कि मेरा डिफरेंशियल प्लेयर चल गया, इसका नहीं चला, फिक्स है मैं ही विनिंग करूंगा, दूसरा कोई विन नहीं करने वाला है। तो जिस बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट करते थे भाई ये मैच अपन जीतेंगे ये मैच अपन हारेंगे, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार से कि देखो यार स्मॉल लीग जो रहता है वो रिस्क फ्री रहता है, बट ग्रैंड लीग जो हो जाता है ना वो थोड़ा रिस्क वर्जन हो जाता है। इसलिए डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सा टीम लगाते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा रहता है, स्मॉल लीग में रहता है या ग्रैंड लीग में रहता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बाद में दमाऊंगा। 200 प्लस लाइक का टारगेट हमने इस वीडियो में रखा है, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बैटिंग सेक्शन से। फर्स्ट नंबर पे आपको मनान दिख जाएंगे। देखो जी मनान का जो इंपॉर्टेंस है अभी इस वाले मैच में कोई उतना, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए इनका तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैचेस फ्लॉप गए थे, नॉर्मल मैचेस खेले थे उसमें 93% सिलेक्शन गया था, बट जिस दिन 83 था उस दिन 42 के आसपास पॉइंट्स यहाँ पास देते हुए नजर आए थे। अगर बात करूँ किस किस चीज़ में पॉइंट्स दिए तो भाई बॉलिंग में तो पॉइंट्स आपको नहीं देंगे ये, बट कैचेस वगैरह करते हुए आपको दिख जाते हैं, लॉन्ग रन पर खड़े रहते हैं। और अगर बैटिंग सेक्शन से बात करूँ तो लास्ट मैच करीब एक छक्का लगाते हुए आपको दिखे थे, 2 पॉइंट मिला था, उसके बदले 3 चौका आपको लगाते हुए दिखे थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। मारने का स्ट्रगल था इनके पास, अगर इनको पहले बैटिंग मिलती है तो ओवरऑल आपको 80 करके भी दे सकते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मार कर दे सकते हैं बैटिंग से। और परेरा आपको खेलते हुए नजर आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ट्राई करने को। परेरा का भी जो इंपॉर्टेंस है इस वाले मैच में खास रहने वाला है, जैसा कि आपको नकवी के बारे में मैंने बताया था, बट डिपेंड करता है अभी किस किस प्लेयर्स को ट्राई किया जाए, इसलिए अभी इनको ड्रॉप करते हुए चल रहा हूं मैं। मेन जो प्लेयर आ जाते हैं अपने, जैसे डब्ल्यू मोहम्मद आ जाते हैं, एम मोहम्मद आ जाते हैं, अगर इनके मैं रिकॉर्ड की बात करता हूं तो दोनों मैच का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। एक बीएन के साथ जब मैच हुआ था तो इनका रिकॉर्ड देख सकते हो, बॉलिंग बैटिंग आपको दोनों कराते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि देखो जो बॉलर्स भाई एलबीडब्ल्यू टी10 में ना जो बॉलर बैटिंग बॉलिंग करके LBW से आउट करता है उस बॉलर को आपको बिल्कुल रिस्क लेके छोड़ना नहीं है, क्योंकि LBW का जो प्लेयर रहता है उसको बॉलिंग का टेक्निक पता रहता है, डिपेंड करता है भाई बहुत ही अच्छे खासा बॉलिंग कराते हुए आपको आगे भी दिख सकता है, इसलिए एम मोहम्मद को मत छोड़िएगा। नेक्स्ट प्लेयर आपको आसिफ दिख जाएंगे, इनका भी जो रिकॉर्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये भी आपके लिए ट्राइबल प्लेयर रहेंगे। इनका अगर रिकॉर्ड दिखाऊं तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के भी बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहो तो। बाकी एक और प्लेयर है जो लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अभी घाई के साथ जा रहा हूं, नकवी अगर खेलते हुए दिखेंगे तो मैं उनको ट्राई कर लूंगा। घाई का भी रिकॉर्ड अच्छा है, मैं दिखा देता हूं, एक मैच फ्लॉप गए थे, बाकी नॉर्मल पॉइंट इनको आप एक उम्मीद लगा सकते हैं वाइस कैप्टन की तरफ से कि आपको अच्छी खासी पॉइंट्स दे जाएंगे। तो सेफेस्ट वाइस कैप्टन और डिफरेंशियल वाइस कैप्टन गाई बन जाते हैं आपके लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहो। कैप्टन का ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा वीडियो के आखिर में, कोहली को ट्राई कीजिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ समी उल्ला को ट्राई कर दीजिएगा। ये दोनों पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि हमने बॉलर से एक प्लेयर को ट्राई कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ डिफरेंशियल में ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि रिस्क वर्जन हो जाएगा। एस सिंह को ट्राई करेंगे, ठीक है, ये 2 प्लेयर हो गए अपने पास, एक प्लेयर आपको फ्लोरिन दिख जाएगा। अगर फ्लोरिन को नहीं रखना चाह रहे हो आप तो बिल्कुल इनके साथ रिस्क ले सकते हो। यहाँ से एक और प्लेयर जेट सर्वर आपको दिख जाएगा जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, 3 बॉलर इधर से हमने रख लिए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से एक प्लेयर अपने पास आ जाता है भाई, या फिर प्रभात को रख लो आप या फिर डब्लू मोहम्मद को रख लो। रिकॉर्ड डब्लू मोहम्मद का भी अच्छा है, प्रभात का भी अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रभात का आपको देखने को मिलेगा, बट डब्लू मोहम्मद को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इधर से अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँ तो मैं इधर से एक प्लेयर को ट्राई कर सकता हूँ अपनी टीम में, निलंगा को अगर खेलते हुए दिखते हैं तो ये मेरे लिए अच्छे पिक बन सकते हैं क्योंकि मैंने ACCB की तरफ से बॉलर्स को ट्राई नहीं किया है और ज़्यादातर मैंने BUG की तरफ से बैट्समैन को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि इधर के बॉलर तगड़े हैं, इसलिए मैंने बैट्समैन को ड्रॉप किया है। तो उस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए मैंने इसमें ये टीम कॉम्बिनेशन ट्राई की है। अगर आपको ये टीम अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो, वरना लाइनअप में चेंजेस होगी तो आप बिल्कुल चेंज भी कर सकते हो। कैप्टन का ऑप्शन आपको साफ दिख रहे होंगे इस वाले मैच में कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि देखो हम ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे तो सबसे डिफरेंशियल जाना चाहिए, जिनका 1% 5% सिलेक्शन हो कैप्टन का आप उनको ट्राई कर सकते हो, बट एज अ स्मॉल लीग का टीम है तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं यार, मेरे ही टीम जो मैंने यूट्यूब में बनाया उसको कॉपी कर लेते हैं और उसी की टीम के साथ फाइनल टीम चले जाते हैं, क्योंकि अगर टेलीग्राम में टीम नहीं आती है तो उन्हीं लोग क्या करते हैं वो फाइनल टीम यूट्यूब वाला ही पकड़ लेते हैं। बट कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन अपन आपको दे देते हैं, आसिफ को कैप्टन दे दीजिएगा, वाइस कैप्टन डब्लू मोहम्मद के साथ जा सकते हो जो कि आपके लिए ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल पिक रहेंगे। बट अगर ज्यादा डिफरेंशियल में जाना चाहो तो समी उल्ला आपके लिए आ जाते हैं क्योंकि ACCB की तरफ से ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हुए आपको दिखेंगे। उससे बेस्ट ऑप्शन आपको डब्लू एम मोहम्मद दिख जाएंगे जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि ये जो प्लेयर है ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, आप चाहे तो कैप्टनशिप भी इनको दे सकते हो, बट 2 मैच से लगातार अच्छा खासा पॉइंट देते हुए आ रहे हैं तो तीसरा मैच अनप्रेडिक्टेबल है कि अच्छा पॉइंट देंगे, इसलिए मैंने सिर्फ वाइस कैप्टन दे दिया है। अगर 42 का भी पॉइंट देते हैं तो इनका 1.5 गुना मिलेगा मुझे, जो कि मेरे लिए अच्छा पॉइंट है। बट अगर आसिफ मुझे डबल दे देते हैं, मान लो 70 के आसपास दे देते हैं या फिर 55 दे देते हैं, तो मुझे इसका भाई 2x मिलेगा, तो 2 गुना मिलेगा मुझे इसका पॉइंट, जो कि भाई एम मोहम्मद से डबल होगा, जिसके वजह से मैं स्मॉल लीग में अच्छी खासी डिफरेंशियल पिक के साथ विनिंग कर जाऊंगा। तो ये मेरी फाइनल टीम है, विच लॉजिक और कॉम्बिनेशन और स्किल के साथ मैंने ये टीम क्रिएट करके आपको बताई कि किस किस लॉजिक से आप टीम क्रिएट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल टीम आएगी वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी। नेक्स्ट वाइस कैप्टन ऑप्शन आपको एम कोहली दिख जाएंगे, डब्लू मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो, बाकी